हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ यूनाइटेड FC और FC गोवा का 4 अक्टूबर के मैच के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। नॉर्थ यूनाइटेड FC रिलेटेड कोई भी अपडेट जल्द ही पाने के लिए और इंडियन फुटबॉल रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नॉर्थ यूनाइटेड FC 4 अक्टूबर को खेलने वाले हैं FC गोवा के खिलाफ FC गोवा का होम ग्राउंड पर। दोनों टीम के कंपेरिजन किया जाए तो दोनों टीम ने 3-3 मैच खेला है। 3 मैच में 1 ड्रॉ, 1 विन और 1 लॉस किया है दोनों ही टीम। और पॉइंट्स टेबल की बात किया जाए तो FC गोवा पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है और नॉर्थ यूनाइटेड FC पॉइंट टेबल्स में नंबर 6 में है। नॉर्थ यूनाइटेड FC और FC गोवा पॉइंट्स टेबल में सेम ही है। FC गोवा नॉर्थ यूनाइटेड FC से 1 गोल ज़्यादा स्कोर किया है, इसीलिए पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर है। प्लेयर्स की बात किया जाए तो नॉर्थ यूनाइटेड FC का डिफेंडर आशीर अख्तर को लास्ट मैच केरला ब्लास्टर FC के साथ जो मैच था, इसी मैच में रेड कार्ड मिला था। बाद AIFF और ISL कमिटी ने आशीर अख्तर का रेड कार्ड को डिसमिस कर दिया है। और इसका मतलब नॉर्थ यूनाइटेड FC का डिफेंडर की डिफेंडर आशीर अख्तर FC गोवा का यानी कि 4 अक्टूबर का मैच में अवेलेबल होने वाला है। और FC गोवा की बात किया जाए तो FC गोवा का की मिडफील्डर कार्न माकियो अवेलेबल नहीं होने वाला है 4 अक्टूबर का नॉर्थ यूनाइटेड FC और केरला ब्लास्टर FC का दिस मैच में, बिकॉज कार्न माकियो को ईस्ट बंगाल FC के साथ जो मैच था, इसी मैच में रेड कार्ड मिला था। और FC गोवा का स्ट्राइकर आर्मांडो साडिको इंजरी के कारण लास्ट मैच में अवेलेबल नहीं था। बाद आर्मांडो साडिको 4 अक्टूबर का मैच में अवेलेबल होने वाले है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों का वीक पॉइंट्स के बारे में। गाइस, नॉर्थ यूनाइटेड FC का अभी वीक पॉइंट्स मिडफील्ड चल रहे हैं। नॉर्थ यूनाइटेड FC का मिडफील्ड से जितना अटैक बनना चाहिए इतना अटैक देखने को नहीं मिल रहे हैं। नॉर्थ यूनाइटेड FC का सिर्फ विंग से अटैक बन रहे हैं। इस चीज़ मुझे नॉर्थ यूनाइटेड FC का थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा है। और इसके बाद FC गोवा का बात किया जाए तो 4 अक्टूबर का मैच में FC गोवा का भी मिडफील्ड थोड़ा सा डाउन जाने वाला है, क्योंकि कार्ल माकियो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं तो मिडफील्ड में थोड़ा सा फर्क पड़ने वाले हैं। और इसके बाद FC गोवा का डिफेंस थोड़ा सा वीक है, क्योंकि FC गोवा 3 मैच में 3 पेनल्टी कंसीड किया है। तो थोड़ा सा गोवा का डिफेंस में प्रॉब्लम है मुझे ऐसा लगते हैं। और इसके बाद प्लेइंग 11 नॉर्थ यूनाइटेड FC का प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो कल का मैच में यानी कि 4 अक्टूबर का मैच में भी जुआन पेड्रो बेनाली 4-2-3-1 फॉर्मेशन में ही उतरने वाले हैं। लाइनअप की बात किया जाए तो गोलकीपर की पोजीशन में गुरमीत सिंह, सेंटर बैक की पोजीशन में आशीर अख्तर और माइकल जेबाको, राइट बैक में दिनेश सिंह और लेफ्ट बैक में समते। तो नेक्स्ट मिडफील्ड के बारे में बात किया जाए तो सेंट्रल मिडफील्डर मोहम्मद अली बिमेमार और मायंकन मुट्ठू, अटैकिंग मिडफील्डर पर रहने वाले हैं मेकार्टन लुइस निक्सन। और विंगार्स की बात किया जाए तो राइट विंग पर जिथिन MS और लेफ्ट विंग पर अलादीन अजाराय और स्ट्राइकर के पोजीशन में गियर्मो फर्नांडिस। नेक्स्ट प्रेडिक्शन की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से ये मैच नॉर्थ यूनाइटेड FC 3-1 या 3-2 स्कोर लाइन से जीतने वाले हैं। नॉर्थ यूनाइटेड FC का 3, FC गोवा का 1 या 2 गोल में। और 4 अक्टूबर का मैच में आप लोगों का प्रेडिक्शन और ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय अहोम, वंदे मातरम।